आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 विभाज्यता की जांच से संबंधित प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। इसमें आपको 8 सवाल दिया है, एक नंबर में पहला में है 32। तो 32 2, 4 और 8 से विभाज्य है या नहीं ये पढ़ाना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहला प्रश्न में 32 दो से विभाज्य होने के लिए क्या होता है कि इकाई अंक पे सम संख्या या शून्य होना चाहिए। तो इसमें इकाई अंक पे 2 है इसलिए ये 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे इकाई अंक 2 है इसलिए 32 2 से विभाज्य है। ठीक है, इकाई अंक 2 है इसलिए 32 जो होगा क्या है 2 से विभाज्य है। फिर 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होने के लिए संख्या का इकाई और दाहिनी, इकाई और दाहिनी जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए या इकाई और दाहिनी पर शून्य होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई और दाहिनी 32 जो है वो 4 से विभाज्य है, तो वो लिखेंगे इसका 4 से विभाज्य होने के लिए, ये लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 32 4 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि इसका इकाई और दाही अंक दोनों जो है 4 से विभाज्य, इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। फिर 8 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या 8 से विभाज्यता के लिए, 8 से विभाज्य होने के लिए इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए या फिर तीनों शून्य होना चाहिए, इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक शून्य होना चाहिए। तो यहाँ इकाई और दहाई है दो ही अंक, लेकिन ये इकाई दहाई 8 से विभाज्य है, 8 चौका 32। तो ये लिखेंगे 32 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से 32 का किए। फिर दूसरा प्रश्न में है, संख्या है 48, इसका इकाई अंक 8 है इसलिए 48 2 से विभाज्य होगा। पहला तो साफ है कि 2 से विभाज्य होगा। फिर 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई और दाहिनी दोनों 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, लिखेंगे 4 से विभाज्यता। ठीक है, तो लिखेंगे इकाई एवं दहाई की संख्या 4 से विभाज्य है इसलिए 48 4 से विभाज्य है। उसके बाद है कि अब 8 से विभाज्य होने के लिए फिर इकाई दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा तो इसमें है नहीं, सैकड़ा तो है नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि ये 8 से कटता है ना, 8 6 48 छः बार में कटता है, तो हम लिख देंगे 8 से विभाज्यता की जांच में क्या लिखेंगे, 8 से विभाज्यता में लिखेंगे 48 8 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि वो 4 से 8 से कटता है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है 80। ठीक है, तब इसको हम इधर मिटा रहे हैं 80, तब तक आप उधर देख सकते हैं। तीसरा में है 80, 80 का इकाई अंक क्या है, शून्य है, तो लिखेंगे इकाई अंक शून्य है इसलिए 80 2 से विभाज्य है। फिर 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई का संख्या 4 से विभाज्य होगा तो संख्या विभाज्य, तो ये लिखेंगे क्या 80 4 से विभाज्य है, और 8 से भी विभाज्य है तो इसको लिखेंगे 80
8 से विभाज्य है, ठीक है। अब हो गया, अब देखते हैं चौथा प्रश्न में है 200, चौथा का अंक है 200, 200 संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से विभाज्य है कि नहीं और 8 से है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब 200 है तो इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे इकाई का अंक 0 है इसलिए 200 2 से विभाज्य है। फिर 4 से, 4 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्यता, विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, इकाई और दाहिनी दोनों अगर 0 हो तो यहाँ दोनों 0 है, तो लिखेंगे इकाई एवं दाहिनी की अंक 0 है इसलिए 200 4 से विभाज्य है, ठीक है, 4 से विभाज्य है। उसके बाद फिर 8 से विभाज्यता के लिए, 8 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, इकाई दाहिनी और सैकड़ा तीनों अगर 0 हो तो 8 से विभाज्य होगा, नहीं तो इकाई दाहिनी और सैकड़ा का जो संख्या है वो 4 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 8 से विभाज्य करने 8 दूना 16, 4 सुना बचेगा तो 8 बटे 40, तो ये 200 लिखेंगे, 200 8 से विभाज्य है। इस तरह से चौथा, पांचवा है 36, 36 है, 36 के लिए हम लोग फिर देखते हैं करके 36, इसका इकाई का अंक 6 है, लिखेंगे इकाई की अंक 6 है इसलिए 36 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, 2 से विभाज्यता हो गया। फिर 4 से विभाज्य होने के लिए, 4 से होने के लिए क्या लिखेंगे, इकाई और दाहिनी, तो यहाँ लिखेंगे इकाई और दाहिनी से बने संख्या 4 से विभाज्य है इसलिए 36 4 से विभाज्य है। फिर 8 से विभाज्यता के लिए, 8 से विभाज्यता के लिए 36 8 से नहीं कटता है, तो लिखेंगे 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न आपका 6 नंबर में 58, 58, तो 58 के लिए भी जांच करेंगे हम लोग, ठीक है। 6 नंबर में है 58, तो इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8 है, तो 8 है तो ये 2 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे इकाई का अंक 8 है इसलिए 58 2 से विभाज्य है। अब 4 से विभाज्यता के लिए, 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई और दाहिनी का संख्या 4 से कटना चाहिए, तो 4 से ही नहीं कट रहा है, आप भागा दे के देखो ये नहीं कटेगा 58 4 से, 4 एक 4 एक 8 4 चौका 16 2 बच गया ना, तो ये 4 से विभाज्य नहीं, तो लिखेंगे इकाई एवं दाहिनी से बने संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, इकाई और दाहिनी से बने संख्या 4 से विभाज्य नहीं है इसलिए 58 4 से विभाज्य नहीं है। और फिर 8 से, 8 से जब ये 4 से विभाज्य नहीं है तो 8 से भी विभाज्य नहीं होगा, तो लिख देंगे 58 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 92,
सातवां प्रश्न है 92 92 92 में देखिएगा कि इकाई का अंक क्या है, दो है, तो दो है इकाई का अंक, तो ये चार से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे इकाई का अंक दो है, इसलिए 92 किससे, दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य होगा। अब चार से विभाज्यता के लिए, चार से कटता है कि नहीं, चार से विभाज्यता के लिए क्या देखेंगे, इकाई और दहाई का अंक चार से कटता है कि नहीं, चार से काटिएगा, चार दूना आठ और हो जाएगा चार तिया बारह, ठीक है, चार दूना आठ और चार तिया बारह, तो ये चार से तो लिखेंगे 92 चार से विभाज्य है, आठ से विभाज्यता के लिए, अब आठ से भागा होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों अंक आठ से कटना चाहिए, तो आठ से देखिए आठ एक आठ बचेगा बारह, तो बारह कटेगा नहीं, तो लिखेंगे आठ 92 आठ से विभाज्य नहीं है, 92 आठ से विभाज्य नहीं है, ठीक है, 92 आठ से विभाज्य नहीं है। उसके बाद अंतिम सवाल है, आठ नंबर में 3000 है, 3000 आठ से दो चार और आठ से विभाज्य है कि नहीं, इसको जांचिए आप उसी तरह से, 3000 है, तो इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक शून्य है, तो लिखेंगे इकाई का अंक शून्य है, इसलिए 3000 दो से विभाज्य है। फिर चार से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, दो से कट गया, चार से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई का अंक जो है या तो शून्य होना चाहिए और नहीं तो चार से कटना चाहिए, तो इकाई और दहाई का अंक शून्य है, इसीलिए तो लिखेंगे इकाई एवं दहाई का अंक शून्य है, इसलिए 3000 चार से विभाज्य है। उसके बाद आठ से विभाज्यता के लिए, आठ से विभाज्यता के लिए कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा का जो अंक है या तो शून्य हो और नहीं तो इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक का जो संख्या हो वो आठ से विभाज्य होना चाहिए, यहाँ तो तीनों शून्य है, तो लिखेंगे इकाई दहाई एवं सैकड़ा का अंक शून्य है, इसलिए 3000 आठ से विभाज्य है। तो आप इस तरह से इस पूरा प्रश्न को बनाइए, दो से विभाज्यता की जांच, चार से विभाज्यता की जांच और आठ से, सबका अलग अलग करेंगे, एक ही संख्या का सबका अलग अलग से विभाज्यता दिखलाएंगे और बनाएंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या एक बनाइए और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए बनाने का, अभ्यास कीजिए घर में अधिक से अधिक, ताकि आप इसको अच्छी तरह से बना सकिए। हमारी वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।